दोस्तों, आपने जिम कॉर्बेट का नाम तो सुना होगा। एक अंग्रेज शिकारी जिन्हें कुमाऊं में नरभक्षी बाघों के शिकार के लिए जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। जिम कॉर्बेट ने अपनी आधी से अधिक जिंदगी इन जंगलों में बिताई, लेकिन जब जिम कॉर्बेट का सामना कुछ अदृश्य शक्तियों से हुआ तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। जिम कॉर्बेट को एक बार नहीं बल्कि चार बार चुड़ैल और भूत का एक्सपीरियंस हुआ। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब जंगल लॉरी में भी किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता केकाड़िया आपका अपने चैनल अंटो स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह किस्सा चंपावत का है, जहाँ 20वीं सदी के शुरुआती दशक में एक नरभक्षी बाघिन ने आतंक मचा रखा था। इस बाघिन ने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। साल 1907 की बात है। स्थानीय तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट को सूचना पहुंचाई कि बाघिन फिर से इस क्षेत्र में पहुंच गई है और वह लोगों को अपना शिकार बना रही है। जिम कॉर्बेट वहां पर पहुंचते हैं। जिम कॉर्बेट एक ऐसे शिकारी थे जो किसी से भी नहीं डरते थे, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ उससे यह निडर शिकारी भी डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। चंपावत का डाक बंगला था। चंपावत के खूंखार नरभक्षी को मारने से पहले जिम कॉर्बेट इसी डाक बंगले में ठहरे थे। जिम कॉर्बेट जब डाक बंगले पर लौटे तो उन्होंने देखा कि तहसीलदार वहां पहले से ही मौजूद था। उन दोनों ने मिलकर बाघ को मारने की योजना बनाई। इन सारी बातों के बाद तहसीलदार यह कहते हुए उठा कि उसे लंबा रास्ता तय करना है, सो उसे अभी निकलना चाहिए। जिम कॉर्बेट तहसीलदार की ये बातें सुन के हक्के पक्के रह गए, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और तहसीलदार यहाँ रुकने की बजाय गांव जाना चाहता था। एक ऐसी जगह जहाँ लोग बाघ के डर से दिन में भी झुंड में निकल रहे थे, वहाँ उसे अंधेरे में अकेले गुजरना था। उन्होंने तहसीलदार को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तहसीलदार ने बंगले में ठहरने की बजाय वहां से चले जाना ही उचित समझा और वह मशाल चलाकर गांव की ओर चल दिया। जिम कॉर्बेट ने उस रात के बारे में अपनी किताब में इतना ही लिखा है कि मेरे पास उस बंगले से जुड़ा एक किस्सा है, लेकिन उसे मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उसकी लिखी दोनों बातें इस ओर जरूर इशारा करती हैं कि चंपावत के डाक बंगले में कोई तो रहस्य था। कॉर्बेट के भतीजे मॉरिस नेस्टर के अनुसार कॉर्बेट उस रात चंपावत के डाक बंगले में अकेले नहीं थे। उनके साथ बंगले में एक नौकर बहादुर खान भी था, जिसने बाद में जिम कॉर्बेट की बहन मैगी को यह किस्सा सुनाया था। चंपावत के डाक बंगले में गुजारी पहली रात के समय बहादुर खान डाक बंगले के आगे तैनात थे। कॉर्बेट के अन्य साथी बंगले के पीछे लकड़ियों के भंडार घर में थे, जबकि कॉर्बेट रात का खाना खाने के बाद डाक बंगले के अंदर सोने चले गए। बहादुर खान ने कॉर्बेट के परिवार के किसी सदस्य को बताया था कि डाक बंगले में सब कुछ सही नहीं था। इसी वजह से तहसीलदार ने डाक बंगले में रुकने की बजाय आदमखोर बाग के इलाके से अंधेरे में होकर निकलना चुना। बहादुर ने आगे बताया कि रात के पहर में उसने कॉर्बेट के कमरे से बहुत ज्यादा शोरगुल सुना। अचानक कॉर्बेट ने दरवाजा खोला और वह बाहर बरामदे की तरफ हाँफते हुए आए, और जब बहादुर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि कॉर्बेट ने कमीज नहीं पहनी है। उनका शरीर पसीने से तर है और उनके बाल पसीने से ऐसे भीगे हैं मानो किसी ने पानी से गीले किए हुए।
कॉर्बेट लंबी लंबी भारी सांसें ले रहे थे। कॉर्बेट के इस तरह बाहर निकलने से और लोग भी जाग गए। बहादुर खान के अनुसार कॉर्बेट ने उनसे बस इतना कहा कि वह बाकी रात अंदर बिताने की बजाय उनके साथ बाहर बिताएंगे। अगली रात कॉर्बेट डाक बंगले के भीतर नहीं सोए, वह बरामदे में बहादुर खान के साथ ही सोए। जिम कॉर्बेट के साथ में कमरे में क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता था। जिम कॉर्बेट ने भी इस घटना को भुलाकर इसके बाद 300 लोगों के साथ गश्त पर जाकर नरभक्षी बाघिन को मार गिराया था। लेकिन यह रहस्य उनके लिए भी हमेशा रहस्य ही रहा कि वह कौन थी जो कि उन्हें डराती थी। दोस्तों, चुड़ैल से जुड़ा एक किस्सा जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब जंगल लॉर में लिखा है। जिम कॉर्बेट ने चुड़ैल के बारे में लिखा था, चुड़ैल सबसे भयानक बुरी आत्माएं होती हैं, जिसके पांव उल्टे होते हैं। जिस तरह से सांप एक पक्षी को सम्मोहित करके अपना शिकार बनाता है, उसी तरह से चुड़ैल भी किसी इंसान को सम्मोहित करके उसे अपने वश में करती है। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। जिम कॉर्बेट ने भी चुड़ैल की मौजूदगी को एहसास किया था। उन्होंने 3 बार चुड़ैल की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने लिखा था, यह ऐसी आवाजें थी जिससे किसी का खून जम जाए और धड़कन थम जाए। जिम कॉर्बेट काला ढूंढी में रहते थे, जो नैनीताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा घिर आया था। बंगले में जिम कॉर्बेट और उनकी बहन मैगी थी। जिम कॉर्बेट ने रात का भोजन किया और वह बंगले में टहलने लगे। तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई थी। यह वैसी आवाज थी जैसा उन्हें पता था कि चुड़ैल निकालती है। रूह कपा देने वाला भयानक स्वर था, लेकिन जिम कॉर्बेट डरने वालों में से नहीं थे। वह समझ गए थे कि आवाज हल्दू के पेड़ की तरफ से ही आ रही है। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली, बंदूक थामी और दूरबीन से पेड़ को देखा तो वह हक्के पक्के रह गए। उन्हें पेड़ में ऐसा पक्षी दिखा जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह गरुड़ जैसा बड़ा था, लेकिन दिखने में बिल्कुल उल्लू जैसा था। जिम कॉर्बेट अंधेरे में भी उसे मारना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन मैगी डरी हुई थी और उसने जिम कॉर्बेट को ऐसा करने से रोक दिया। ऐसे ही जिम कॉर्बेट एक रात को नरभक्षी बाघिन को मारने के लिए मचान पर बैठे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा था। दूर एक गांव था, लेकिन उस गांव में कोई नहीं रहता था। जिम कॉर्बेट बाघिन का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उन्हें उस सुनसान गांव से किसी के पीड़ा में कराहने की आवाज सुनाई दी। जिम कॉर्बेट करते भी तो क्या करते, उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आखिर में वह 30 नवंबर 1938 को नरभक्षी बाघिन को मारने में सफल रहे। जिम कॉर्बेट चुड़ैल के बारे में जानते थे और इसलिए वह जब कहीं किसी नरभक्षी बाघिन को मारने के लिए जाते थे तो स्थानीय लोग उनसे ऐसी बातों को छिपा देते थे ताकि जिम कॉर्बेट को अकेले में डर ना लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना भी ना भूलें।